मोदी अपने घर को नहीं संभालता, देश को क्या संभालेगा? एक ही बात पूछता हूँ, वो रेड फोर्ट स्पीच, 15 अगस्त स्पीच शुड बी एड्रेस टू द पीपल एंड नेशनल इश्यूज। वो तो प्रचार किया है पार्टी का, क्या बोलता है, हम एम्पावरमेंट दे दिए महिला लोगों को। क्या एम्पावरमेंट दिया? आप मणिपुर गए नहीं, किसी को लेके गए नहीं, मणिपुर का हिस्सा पार्लियामेंट में बात ही नहीं किया, यहाँ आके महिला एम्पावरमेंट बोलता, शांति आता है। ठीक, ओह ऐसा बोल सकते, जैसा 15 लाख रुपए, जैसा 2 करोड़ जॉब, जैसा ब्लैक मनी नहीं रहता बोल के बोले ना, ऐसा ही बोल रहा। पूर्णालाल लक्ष्मण जी से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि तेलंगाना इस बार क्या बोलता है। यहाँ पर महिलाओं ने तो अपनी बात को रख दिया है कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर जमीनी काम करना क्या होता है। और यहाँ पर PCC रहे हैं, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, क्योंकि राजनीति बोलती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन राजनीति का मकसद सिर्फ सर एक ही होता है, कुर्सी पर बैठना, कुर्सी पर बैठना, सत्ता को लेना। क्या आपको लगता है कि इस बार कुर्सी पर राहुल गांधी बैठा देंगे? क्योंकि महिलाओं का जो मैंने यहाँ पर देखा सुना, उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, काम हुआ नहीं जमीन स्तर पर। सर आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, कुर्सी पे क्यों बैठना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज? एक तरफ पॉलिटिक्स है, दूसरे तरफ जनता, डेवलपमेंट, वेलफेयर, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहता। सो आजकल क्या हो गया, 2014 से पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स चल रहा और लोगों के बारे में कोई सोच नहीं। अब एक ही बात बोलता हूँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मोदी जी 15 अगस्त में रेड फोर्ट से भाषण किया, यहाँ इतने महिला लोग हैं ना, हाँ बातचीत हुई है, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे स्टेट से आए हैं। एक ही बात पूछता हूँ, वो रेड फोर्ट स्पीच, 15 अगस्त स्पीच शुड बी एड्रेस टू द पीपल एंड नेशनल इश्यूज। वो तो प्रचार किया है पार्टी का, क्या बोलता है, हम एम्पावरमेंट दे दिए महिला लोगों को। क्या एम्पावरमेंट दिया? आप मणिपुर गए नहीं, किसी को लेके गए नहीं, मणिपुर का हिस्सा पार्लियामेंट में बात ही नहीं किया, यहाँ आके महिला एम्पावरमेंट बोलता, शांति आता है। ठीक, ओह ऐसा बोल सकते, जैसा 15 लाख रुपए, जैसा 2 करोड़ जॉब, जैसा ब्लैक मनी नहीं रहता बोल के बोले ना, ऐसा ही बोल रहा। मैं एक पूछता हूँ, महिला एम्पावरमेंट क्या किया है ना? 9 साल से महिला रिजर्वेशन बिल इज पेंडिंग, वो नहीं किया अभी तक। और दूसरी बात यह है, उन्हें कोर्ट करता है, वो पायलट्स बने हैं कुछ, 100-200 बने होंगे, और एक मिनट, 100-200 बनेंगे, और नासा में जिसमें साइंटिस्ट लेवल कितने रहते, 50 है, वो 200 पायलट होने का और ये 100 साइंटिस्ट होने का आप क्या किए? वो तो बोलना पड़ता ना, वो लिख रहे हैं कितने लोग हैं महिलाएँ, 70 करोड़ लोग हैं, वो लोगों के बारे में बात नहीं किया। कांग्रेस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किया, वो शुरू किया एम्पावर करने के लिए और रिस्पेक्ट आने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए करा, ये ना मैं नहीं बात करते ना, खाली ड्रामाबाजी। सर आप पूर्व PCC रहे हैं और आपने राजनीति को समझा है, देखा है, तेलंगाना की महिलाओं ने ये साफ तौर पर कह दिया कि तेलंगाना में जो है BJP को हम साफ कर देंगे, BJP ने कुछ काम नहीं किया। 24 का चुनाव नज़दीक है, तेलंगाना का चुनाव भी नज़दीक है, अगर दोनों को हम तुलनात्मक रूप से देखें, क्या आपको लगता है कि तेलंगाना अगर जीतता है कांग्रेस तो BJP को हराने में आसानी होगी 24 में? नो, ये आसानी ये नहीं है। अब देखिए हिस्ट्री पॉलिटिक्स का क्या हो गया, वाजपेयी 5 साल का कोई भी उसके ऊपर बात नहीं करे, 5 साल के बाद क्यों नहीं आया वो सोचिए। एक बात से 1977 में कांग्रेस हार गया देश में, वो 2 साल के अंदर, ओ यू आर दी ओनली वन लीडर इन द कंट्री, द सेम पीपल सेम कंट्री है, दे ब्रॉड पॉलिटिक्स रहता है। मगर हमारा धर्म क्या है, जब पॉलिटिक्स में लोग हमें मौका देता है, लोगों को देखना है, ऑल पीपल, सो दैट इज़ नॉट बीइंग डन इन द मोदी गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट बीइंग डन इन KCR गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने अपने लिए फ़ायदा के लिए कुछ कर रहे हैं, ये ड्रामाबाजी चलता नहीं ज़्यादा लोग, हाँ पीपल देते हैं, पीपल मानते हैं। मेरा सवाल एक और रहेगा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा करने का जो छवि में सुधार आया है वो ऐसा लगता है कि एक नेतृत्व करने वाली नेता की क्षमता राहुल गांधी में दिखती है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के तौर पर इन महिलाओं ने ये कहा है कि हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में ठीक रहेंगे और किन मुद्दों पर राहुल गांधी अपने आप को इंडिया गठबंधन के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे? क्योंकि सर आप समझ रहे हैं कि गठबंधन हुआ है, तमाम चेहरे होंगे, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं,
आप ठीक है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का अच्छा है, मगर उन्होंने कांग्रेस का प्रिय मेंबर है, है? वो फैमिली सैक्रिफाइस करे इंडिपेंडेंस के बारे में शेयर, वो उनसे कोई भी हो सकता है, मगर राहुल गांधी आज लीड कर रहा, देश को जोड़ रहा है। क्या है, मोदी अपने घर को नहीं संभालता, देश को क्या संभालेगा? मैं एक ही बात पूछता हूँ, तो राहुल गांधी डेफिनेटली विल बी द प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज कांग्रेस आइडियोलॉजी, कांग्रेस फीलिंग्स, कांग्रेस प्रोग्राम्स, ये देश कैसा था 1947 में, वो ब्रिटिश वाले पूरा ये करके पूरेस्ट कंट्री बना, राइट, पूरेस्ट कंट्री। अभी क्या है, वो उन दिनों में खाने के लिए नहीं मिलता था, 33 लाख पीपल डाइड आउट ऑफ स्टारवेशन इन 1946-47, कुछ नहीं करे, पूरा देश का संपत्ति लेके गए ब्रिटिश वाले। अभी क्या है, वो दुनिया में तीसरा इकोनॉमिक पावर इन परचेजिंग पावर, ऐसे घंटे बजाए तो, तालियां बजाए तो, नहीं तो और क्या है वो, हाँ अरे दीवा दीवा जलाए तो आता क्या, हाँ प्रोजेक्ट लाया ना। तेलंगाना क्या बोलता है, तेलंगाना में आप रह रहे हैं, तेलंगाना की जनता का क्या मशवरा इस बार? कांग्रेस पावर में आएगा तो वो लोग समझ रहे हैं कौन झूठा है कौन सच है, कौन क्या किया, इसको मुख्यमंत्री बना रहा है इस बार तेलंगाना। अरे तो महत्व हमारा वो इलेक्शन के बाद हमारा हाईकमांड सबसे पूछ के करता है, आपकी मन की बात? नहीं नहीं, मन मेरे मन की नहीं, मेरे मन की कांग्रेस बनाए, कांग्रेस कांग्रेस जीते कोई भी बने, नहीं नहीं मेरा मन अलग नहीं है, कांग्रेस का मन है। अच्छा, 45 ईयर से मैं कांग्रेस में, बहुत बड़ी बात है ये, सबसे बड़ा बात। यहाँ अगर सवाल का जवाब दिया जाए तो ऐसे दिया जाए, सर बच के खेल गए, बता दिया साहब साहब कि कांग्रेस का मन हमारा मन है, मुख्यमंत्री कोई भी लेकिन कांग्रेस होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लगातार देखा जाए, ये सबसे बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं, चाहे महिला मुद्दे की बात हो, चाहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो, या फिर कोई भी मुद्दा। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले समय में तेलंगाना की जनता कैसे कांग्रेस को जिताती है, बीजेपी को हराती है, या फिर क्या उसका रुख होगा, और साथ में 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ कांग्रेस पार्टी सहित गठबंधन बनाएगा, और कैसे NDA और बीजेपी को हराएगा, ये भी वक्त तय कर देगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सबित।